नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले औपचारिक अभिभाषण के दौरान वहां मौजूद गणमान्य लोगों को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में कोरोना, डिजिटल शिक्षा, कई अहम मुद्दों को लेकर संबोधन किया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में अपना पहला औपचारिक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के पद तक पहुँचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मैं देश की ऐसी महिला राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को सराहना करते हुए कहा, संथाल क्रांति, पाइका क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया था। उन्होंने कहा, सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा में हुआ था जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले अभिभाषण में कहा कि एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्षों में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अपने भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों को अपनाते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनके पूर्ति के लिए अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना है। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता दो पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। ऐसा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद जो शपथ ली, उसके बाद अपने भाषण में ऐसा कहती नजर आई। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।